Hello guys, कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay of GTA San Andreas. तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछली बार हमने बचाया था स्वीट को. उसको कुछ लोगों ने घेर लिया था और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायर की थी. तो चलिए दोबारा से चलते हैं हम स्वीट के पास और देखते हैं अब क्या काम है. तो जल्दी से हमें विलो फील्ड अपने गैराज में जाना है. तो उसके लिए तो पहले यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है, तो जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं हम अपने गैराज में. तो गाइस ये भी आ चुका है. तो गाड़ी को भगाते हैं अपनी गैराज की साइड. आगे रेड मार्कर भी दिख चुका है, तो जल्दी से यहाँ चलते हैं राइट टर्न और पहुँचने वाले हैं अपने गैराज में. तो यहाँ ये कुछ हमें सिखा रहा है, तो चलिए देखते हैं अभी हमें क्या बताता है. इसमें तो गाड़ी का डांस है भाई. तो जल्दी से उसको गैराज में पार्क करना है हमें. ओके, तो ये अब मॉडिफाइड होता है, लेकिन अभी हमारे पास इतने सारे डॉलर्स नहीं है कि हम क्या मॉडिफाई करें. तो जल्दी से चलते हैं मार्कर की साइड, जल्दी से भागते हैं डांसिंग कार को मार्कर की साइड. तो मार्कर की साइड में जाना है आगे से प्लेस की गाड़ी. तो चलिए यहाँ से एक शॉर्टकट लेते हैं और जल्दी से भगाते हैं अपनी गाड़ी को. तो गाइस अब कुछ कर दिया है, तो चलिए अब इसे शॉर्टकट से और ये टर्न के पेट्रोल पार करते हुए हम पीछे से पहुँचेंगे. तो जल्दी से चलते हैं इस रेड मार्कर के अंदर. दिस वेगा ओके. तो शर्त लगी है 50-50 रुपये, मतलब 50-50 डॉलर. तो मैं आपसे मिलता हूँ इस डांसिंग कार के एपिसोड को देखने के लिए. बाहर आप मेरी गर्दन का डांस देख सकते हैं. तो इसी के साथ जीत चुके हैं हम इस बैट को. तो इसी के साथ अभी हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है. जी हाँ, हमें इस मिशन के लिए मिले हैं 100 डॉलर. तो जल्दी से अपनी गाड़ी को ले चलते हैं भगाते हुए कॉलोनी के पास. तो गाड़ी को हम भगाते भगाते ले आए कॉलोनी में और जल्दी से चलते हैं स्वीट के पास. तो इस समय कोई काम नहीं है और उससे पहले इसके पास आ चुका है फोन. चलिए फ़ोन को अटेंड करते हैं. फोन पे कुछ बातचीत चल रही है और एक नया मिशन भी आ चुका है. स्वीट के तो सारे मिशन ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम चलते हैं राइडर के पास भागते हुए. तो राइडर के साथ इस गाड़ी में बैठते हैं. तो चलिए जब तक गाड़ी पहुँचती है अपनी लोकेशन तक, जब तक आप देखते रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें.
एक पहला स्क्रीन का पल्ला भी कुचला जा चुका है। गाड़ी को पकाटे पकाटे लिया है इस मार्कर के पास। तो चलिए इस गाड़ी की जल्दी घुसा देते हैं इस मार्कर के अंदर। तो अब देखते हैं। अच्छे, तो सबसे पहले तो हमें इस घर के अंदर जाना है। हमें बिल्कुल भी शोर नहीं मचाना है। ओके, तो हमें क्रेट ढूंढनी है। कम से कम 3 क्रेट्स हमको चुरानी होंगी। तो सबसे पहले तो नीचे वाले को छोड़ के हम सीधे ऊपर से ही लेते हैं। ओके, क्रेट को उठा लिया है। मास्क भी हमने लगा रखा है। तो अब जल्दी से बिना आवाज़ करते हुए धीरे धीरे चलते हैं गाड़ी की साइड। ऊपर मेरे को लगता है कोई सो रहा है। तो पहली क्रेट को तो रख दिया है अंदर। अब चलते हैं दूसरी क्रेट को लेने। तो सीधे हम ऊपर ही जाके क्रेट लेंगे। थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा हो चुकी है। ये एक क्रेट इधर भी रखी हुई है। तो चलिए इसको भी उठा लेते हैं और धीरे धीरे जाना होगा। तो चलते से चलते हैं गेट के पास। अभी भी नॉइज हो रही है। दो क्रोट सन ला चुके हैं और इसको भी रख दिया है ट्रक के अंदर। तो चलते हैं दोबारा से और हमें लेके आनी है तीसरी क्रेट। तो धीरे धीरे चलते हैं और लेके आते हैं क्रेट। मुझे लगता है जो अगली क्रेट है वो इसी ये नहीं इस वाले कमरे में हो सकते हैं। तो हाँ, इधर की शायद 2 क्रेट्स रखी हुई हैं। तो इस क्रेट को उठाते हैं और चलते हैं जल्दी से। जल्दी से भी नहीं जा सकते, धीरे ही जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा तेज चढ़ने पर भी नॉइज हो रही है। तो इस क्रेट को भी रखते हैं ट्रक के अंदर। तीन क्रेट तो हमने ले ली हैं पर लेकिन इस बड्डे ने जो कि सो रहा है बहुत परेशान किया है। तो इसको बिना मारे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दोबारा से उसके कमरे में चलते हैं। जब तक ये सो रहा है तो एक और क्रेट को उठा ही लेते हैं। वैसे तो हमें 3 क्रेट ही ले जानी है पर कोई नहीं, एक क्रेट और ले लेते हैं। इस बार इस बुड्ढे को भी उड़ा देंगे। इसने हमें बहुत परेशान किया है इस बूढ़े अंकल ने। मुझे लगता है पहले थोड़ी नॉइज करके इसकी नींद बिगाड़नी चाहिए। पर उससे पहले एक बार चल के देखते हैं अंदर। चलिए, हम इसकी नींद बिगाड़ते ही हैं।
थोड़ा सा तेज चलते हैं। हाँ, इसकी नींद खुल चुकी है। हाँ, तो इसकी नींद खुल चुकी है और अब शिप देख रहा है। ओ, शॉट लेके आया। चलो, इस बूढ़े अंकल ने बहुत दिक्कत दी थी हमें, तो अब चलते हैं। ओहो, एक और नई मुसीबत आ चुकी है, हमारे पीछे पड़ चुकी है पुलिस। तो जल्दी से हमें स्प्रे शॉप में जाना होगा ताकि अपनी गाड़ी का कलर चेंज करा सकें और एक पुलिस पीछा करना छोड़ दें। ओह, टायर भी पंचर हो चुका है। से हमारे एकदम पीछे गया भाई, जल्दी से कर लो एकदम आगे आ चुकी है गाड़ी, पर चलिए साइड में से निकालते हैं, पकड़ते हैं मेरा। पहुँच यही वाले हैं स्प्रे शॉप में, इसी में डायरेक्ट पहुँचा देते हैं अपने को। चलिए कोई नहीं, सौ डॉलर के लिए और अब हमारी पुलिस पर हमारा पुलिस से भी छूट चुका है, तो अब जल्दी से चलते हैं बार्कर के पास, मार जो ये लौटा रहा है। तो मिलता हूँ मैं आपको ये बार्कर के पास। तो कहीं इस गाड़ी को बाहर वहाँ के लिए आए हैं रेड मार्कर के पास और हमें इसको पार्क करना है इसके अंदर। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो को करें लाइक। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।